तो भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीगो लाइव एप्लीकेशन के अंदर आखिर रिपोर्ट कैसे मारी जाती है। कोई भी यूज़र अगर गाली बकता है तो उसके आईडी पे रिपोर्ट कैसे मारी जाती है। तो इसको लेकर मेरे काफ़ी फ्रेंड भी हैं, उन्होंने भी मेरे से काफ़ी बार पूछा है कि भाई बीगो लाइव पर एक्चुअली में रिपोर्ट कैसे मारी जाती है। इसको लेकर भाई तूने कभी बताया नहीं और हमने भी कभी जानना चाहा नहीं। तो भाई आज की डेट में बताऊंगा आखिर बीगो लाइव में रिपोर्ट कैसे मारी जाती है। एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको सिंपल बता दूं, अगर आपको अपने अगर आपकी ब्रॉड पे कोई बंदा आता है गाली बकता है, या अदरवाइज़ आप किसी की ब्रॉड पे जाते हैं और अगर आपको लगता है सामने वाला बंदा गाली बक रहा है, तो उसके लिए रिपोर्ट मारनी पड़ती है। रिपोर्ट मारनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसे में क्या ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन ये है आपके पास कि जैसे कि अगर आपके पास वो है फ़ोन है या दरवाजा कोई सा भी फ़ोन है, वो कोई मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास दो फ़ोन होने बहुत ज़रूरी है। दो फ़ोन कैसे, मतलब पहला फ़ोन आपका जो बीगो लाइव यूज़ के लिए, और दूसरे फ़ोन में आपको अपनी बीगो लाइव की आईडी खोलनी है, अकाउंट खोलना है, चाहे वो गूगल से हो, चाहे वो फेसबुक से हो, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, या अदरवाइज कैसे भी हो, बट वो कोई मायने नहीं रखती। बट आपको दूसरा अकाउंट उसमें खोलना है, और जिस किसी ब्रॉड पे गाली चल रही है, अगर आप काफ़ी टाइम से रिपोर्ट मारते हुए आ रहे हो, तो आपको क्या करना है, उसमें आपका जो फ़ोन है फ़ोन को फॉर्मेट रीसेट मारना, यानी उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बीगो लाइव यूज़ के लिए होना चाहिए। फॉर्मेट रीसेट जैसे ही मारेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी डेटा होगा बीगो का वो पूरा क्लियर हो जाएगा। जब आप दोबारा फॉर्मेट रीसेट मार के जब वापस आएंगे और जब आप बीगो पे आएंगे, तब आप बीगो लाइव का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे बीगो लाइव का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में डाउनलोड होता है, उसके बाद आपको बीगो पे जाना है, और जो जिस ब्रॉड पे गाली चल रही है, जो बंदा आपको गाली पकड़ता उसको देखना वो कहाँ बैठा है। अगर वो दोबारा कहीं गाली बकता है तो उसी की आईडी पे जाके रिपोर्ट मारेंगे, तो फटाफट रिपोर्ट लगेगी और काफ़ी फास्ट रिपोर्ट लगेगी, और ऐसे में उसकी आईडी बैंड भी हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो, अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको फ्रांस की आईडी बनानी है, इंडिया में रह के आउट ऑफ कंट्री की आईडी बनानी है, मतलब वो कैसे बनेगी, तो उसको लेकर मैं वीडियो बना दूंगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें वो जानना है, वो आखिर बनती कैसे है, मतलब आउट ऑफ कंट्री की आईडी बनती कैसे है इंडिया में रहकर, तो वो चीज़ मैं बता दूंगा। वो नंबर कैसे मिलते हैं, वो सारी चीज़ प्रोसीजर मैं बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। फ्री मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा।